नमस्कार, आप है नेशन भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रेलवे ने ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। कुछ सीमित ट्रेनों के साथ रेलवे ने परिचालन शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। इस सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के माध्यम से जो हमें खबरें मिली हैं, उसमें करीब करीब बिहार के दानापुर रेल मंडल के 15 स्टेशनों के कुल 22 आरक्षण केंद्रों से आज सुबह से जो है रेलवे आरक्षण केंद्रों से टिकट बुकिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। करीब 27 ट्रेनों में टिकट बुकिंग का कार्य चल रहा है। रेलवे ने ये क्लियर किया है कि दानापुर मंडल से खुलने वाली ट्रेनें और इस सेंट्रल रेलवे से गुजरने वाली ट्रेनों का टिकट ही सिर्फ काटा जा रहा है। यात्रियों को सभी मानक का पालन करते हुए रिजर्वेशन काउंटर पे खड़ा होना है। और सबसे बड़ा ऐलान जो रेलवे ने किया है, उसमें दानापुर मंडल ने ये कहा है कि 25 मई से जिन्होंने रेलवे के आरक्षण का टिकट लिया था या ट्रेनों के आरक्षण का टिकट लिया था, उनके टिकट का रिफंड खिड़कियों से 25 मई से शुरू कर दिया जाएगा और सुबह 8 बजे से निर्धारित समय पे खिड़कियां खुल जाएंगी। और वहां जाकर जो जिन यात्रियों के ट्रेनों का रिजर्वेशन कैंसिल हो चुका था, रेलवे ने रद्द कर दिया था लॉकडाउन के कारण, उनके रिजर्वेशन का रिफंड जो है मिलना शुरू हो जाएगा। कौन कौन सी ट्रेनें हैं, क्या हैं, ये सब कुछ हम दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले इस सेंट्रल रेलवे के CPRO ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुना देते हैं। 1 जून के प्रभाव से भारतीय रेल की 200 गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी। इसमें पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में 22 रेलगाड़ियां हैं जो हमारे यहां से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होंगी और 9 रेलगाड़ियां हैं जो पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार से गुजरेंगी। इन सभी रेलगाड़ियों में आरक्षण जो अब तक केवल ऑनलाइन हो रहा था, कल से अर्थात 22 तारीख से हमारे आरक्षण केंद्रों यात्री टिकट सुविधा केंद्र इन पे भी इन टिकटों की आरक्षण कराई जा सकती है। एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय रेल शीघ्र ही अपने पुराने रूप में आ रही है और नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन यथाशीघ्र हम लोग चालू कर देंगे। अभी वर्तमान समय में बिहार से मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, नई दिल्ली, अमृतसर जो इत्यादि महत्वपूर्ण शहर हैं, यहां जाने के लिए रेल कनेक्टिविटी 1 जून से स्थापित हो जाएगा। इसके साथ ही जो लोग भी इस लॉकडाउन में बिहार में आकर के फंसे हुए थे और वापस अपने कार्यस्थल पर जाना चाहते हों, वो इन रेलगाड़ियों में आरक्षण कराकर वापस अपने कार्यस्थल पर जा सकते हैं। अब हमारा भारतीय रेल का प्रयास है कि जितनी भी हमारी ट्रेनें पहले चल रही थी लॉकडाउन के पहले, उनमें से अधिकांश ट्रेनों को हम लोग आपकी सेवा में ले आए। धन्यवाद। आपने सुना, ये थे इस सेंट्रल रेलवे के CPRO, जिन्होंने सारी बातें पूरे विस्तार से आपको बताई। तो इस तरीके से अब रेलवे आज से अपने टिकट काउंटरों को, आरक्षण टिकट काउंटरों को शुरू कर दिया है। सुबह के 8 बजे से टिकट काउंटर खुल गए हैं और यात्री भी जो हैं रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट लेकर बड़े खुश दिखाई दिए। बहरहाल, नेशन भारत चैनल के साथ आप बने रहिए। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। लेकिन याद रखिए, लॉकडाउन 4 चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।